एन एफ एम रेडियो कैसेट प्लेयर जिसमें आप इस तरह की पुरानी कसेट्स प्ले कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की ढेर सारी पुरानी कसेट्स हैं तो आप इन्हें इस कैसेट प्लेयर में प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें ए एम और एफ एम रेडियो का मजा ले सकते हैं और ये एस डी कार्ड भी सपोर्ट करता है आप इसमें ईयरफोन्स और हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं और एक माइक भी और ये रही इस कसेट प्लेयर की साउंड क्वालिटी तो ये था इस कैसेट प्लेयर का मैक्स वॉल्यूम लेवल क्योंकि इसमें काफी छोटा स्पीकर लगा है इसीलिए इसकी साउंड क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है और ज्यादा तेज भी नहीं है और अब बारी है इस कैसेट प्लेयर के रेडियो को चेक करने की तो इसके लिए सबसे पहले इस कैसेट प्लेयर को रेडियो मोड की ओर जो है आपको सेट करना होगा तो इस सृष्टि के निर्माण में देखा जाए तो सूरज का जो योगदान है अतुलनीय है इस पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत सूर्य है और जो स्वयं जल कर में होता है और तो आप इस तरह से इस प्लेयर में जो है रेडियो सुन सकते हैं और काफी साफ आवाज में आप रेडियो सुन सकते हैं और मेरे पास ढेर सारी कसे भी हैं जो मैं इस कसे प्लेयर में सुन सकता हूं लेकिन आपको नहीं सुना सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर किसी तरह का कॉपीराइट आ जाए लेकिन अगर आपके पास ढेर सारी कसीट्स हैं और आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो ये कसेट प्लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन इस कसीट प्लेयर की कीमत बहुत ही ज़्यादा है पूरे साढ़े छः हज़ार रुपये इस कसेट प्लेयर की कीमत है लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर इस कसेट प्लेयर में है और वो ये है कि आप इस तरह के कसेट्स के गाने इस कसेट प्लेयर की मदद से अपने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और आप अपने मेमोरी कार्ड के गाने इन कसेट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन इसकी कीमत फिर भी बहुत ही ज़्यादा है इस कसेट प्लेयर को चलाने के लिए आपको इस तरह की दो बैटरीज़ की ज़रूरत होगी और ये बैटरीज़ आपको इसके साथ मुफ्त में नहीं मिलेंगी और अगर आप चाहें तो इसे डीसी के साथ भी चला सकते हैं लेकिन वो आपको इसके साथ मुफ्त में नहीं मिलेगा आपको बस एक डीसी केबल दी जाएगी और इसका सेट प्लेयर में आप रेडियो सुन सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो ईयरफोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन ईयरफोन्स भी आपको इसके साथ मुफ्त में नहीं मिलेंगे आप चाहें तो इसके साथ एक, एक एक्स्ट्रा माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग और भी अच्छी हो और यहाँ आगे की तरफ इसका सेट प्लेयर में ये बटन्स दिए गए हैं अगर आप एस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं इसका सेट प्लेयर में तो ये बटनस आपको काम आएंगे यह प्रीवियस नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्ले और पॉज और यहाँ पर यह ट्यूनिंग डायल स्केल भी दिया गया है जिसकी मदद से आप रेडियो ट्यून कर सकते हैं और यहाँ ऊपर की ओर दिए गए ये बटन्स आपके काम आएंगे जब आप इस सेट प्लेयर में का सेट प्ले करेंगे ये रहा स्टॉप फॉरवर्ड रिवाइंड प्ले और रिकॉर्ड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं और यहाँ पीछे की ओर दिया गया है ये एनटेना जो आपको रेडियो सुनने में काम आएगा और इसका सेट प्लेयर के साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इंस्ट्रक्शन मैनुअल और डीसी केबल के तो साढ़े छः हज़ार रुपये में आपको इस कसेट प्लेयर के साथ बस इतना ही सामान मिलेगा तो ये है अर्सवीटा ए एम एफ एम रेडियो का सेट प्लेयर जिसकी कीमत है पूरे साढ़े छः हज़ार रुपये और इतने पैसे देने के बाद आपको मिलता क्या है सिर्फ ये डीसी केबल और इंस्ट्रक्शन मैनुअल ना ही तो आपको इसके साथ मुफ्त की कसेट्स मिलेंगी और आपको बैटरीज भी खुद ही खरीदनी पड़ेंगी और यह है मेड इन चाइना यानी कि किसी को भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा इसके साथ आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते हेडफोन्स नहीं मिलते और ज़्यादा कुछ आपको इसके साथ नहीं मिलेगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो इस कसेट प्लेयर को बिल्कुल ना खरीदें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में